गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरबजीत सिंह सभी का स्वागत करता हूं आज के इस फैबुलस फ्राइडे की वेबिनार में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे SHPL के साथ SHPL के बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये भी कि SHPL ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दे रहा है। SHPL हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव भी ला रहा है। आज सुबह मैं टेस्टिमोनियल का सेशन कर रहा था, वहां पर मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स देखे SHPL के प्रोडक्ट्स के, तो सुन करके इतना अच्छा लगा, सुन करके इतना मजा आया। तो ये सुन के लग रहा है कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग हैं वहां पर सिर्फ पैसे नहीं मिलते, दुआएं भी मिलती हैं। तो एक ऐसा बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास है जहां पर पैसे के साथ साथ दुआएं भी कोई दे करके जाता है। ये इससे बेहतरीन बिजनेस और कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज ये शाम आ चुकी है, ये स्पेशल शाम जहां पर हम सभी इसका इंतजार करते हैं। आज की तारीख 27 जनवरी 2023, जहां पर हम सभी अपने CMD यानी कि अपने गोपाल सर से मिलने वाले हैं और उनके शब्दों को सुनने वाले हैं। तो आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं है? अगर आप लोग एक्साइटेड हैं तो थोड़ी देर के लिए मैं आप सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा और आपकी तालियों से पता चलेगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं। तो अब आप अनम्यूट होकर यू आर रेडी सर, यू आर रेडी सर, गुड इवनिंग सर, तो दोस्तों राग बजता है, रंग बजता है, SHPL का अंग अंग बजता है। राग बजता है, रंग बजता है, SHPL का अंग अंग बजता है। और जब आप लोग ताली बजाते हैं हुजूर आली, जनाबे आली, तो ऐसा लगता है संगीत का जल तरंग बजता है। तो ये संगीतमय शाम, ये बेहतरीन शाम, एक नया वलवला, एक नया वलवला, कुछ उम्मीद की किरणें, एक नया वलवला, कुछ उम्मीद की किरणें, कुछ कर गुजरने का जज्बा कि मैं ढूंढ लूंगा रास्ता खुद अपनी मंजिल का। तो अपनी मंजिल का रास्ता ढूंढना है, आप खुद ढूंढेंगे, लेकिन उसका रास्ता दिखाने के लिए आज हमारे CMD मिस्टर गोपाल कुंडू यहाँ पर आ रहे हैं आप सभी से रूबरू होने, आप सभी से बातचीत करने और कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें बोलने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं सब रेडी है, मैं बुला लेता हूं सर को। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे गोपाल सर का। गोपाल सर जहां कहीं भी है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत जल्दी हमें दिखने वाले हैं। तो गोपाल सर, वेलकम टू यू, गुड इवनिंग टू यू सर। थैंक यू शमजीत पाजी, आपने जो शुरुआत किए बहुत अच्छी शुरुआत आपने किए। सो डायरेक्टली पॉइंट लेके डिस्कशन में आएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने नया साल था और ये नया साल में ये पहला मीट है। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू 2023। बाजी ये दिख रहा है, स्क्रीन शेयर हुआ है? Yes, sir, हो रहा है। तो 2023 का शुरुआत है और 2023 के ये पहला आज जूम वेबिनार है, जिस जूम वेबिनार के द्वारा हम आप लोगों के साथ मिलने के लिए आए, बात करने के लिए आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने अपने समय निकाल के इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और सरजीत पाजी ने एक बहुत ही अच्छे शहरी से इस मीटिंग का शुरुआत किया।
दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री माहौल का बिजनेस है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितना जल्दी माहौल बनता है उतना जल्दी आपका पेआउट बनता है, सबको पता है। 2023 अपने जीवन के अंदर एक नया अपॉर्चुनिटी है। 2023 को एक एक लोग एक अलग सोच से शुरुआत किया है। इस 2023 के अंदर काफी लोगों ने अपने ड्रीम क्रिएट किया है। इस 2023 के अंदर काफी लोग 2022 के अंदर जो भी मिस्टेक किया है उस मिस्टेक से बाहर निकल के अपने एक नया शुरुआत करना चाह रहे हैं, जिनमें से आप भी शामिल हो, जिनमें से आपके लीडर भी शामिल है और जिसके अंदर आपकी कंपनी भी शामिल है। सो आप अपने नया साल की तैयारी कर लीजिए, नया साल का प्लानिंग कर लीजिए और ये नया साल का आपका पहला क्लोजिंग है। इस क्लोजिंग को कैसे आपको बड़ा करना है ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। काफी सारे चैलेंज इंडस्ट्री के अंदर हर एक लोगों के लिए आते हैं, जो मार्केट के अंदर फील्ड में काम करें उनके लिए भी आते हैं और जो कंपनी में काम करें उनके लिए भी आते हैं। काफी लोगों ने ये सोचा बहुत सर्दी है, बहुत ठंडी है, जानवर में हम अच्छे से धंधा कर नहीं पाए, ठीक है ना। तो काफी लोगों का काफी सारे एक्सक्यूज रहता है, काफी सारे लोगों को काफी सारा प्लानिंग रहता है और उस प्लानिंग के अंदर ही लोगों को निकलना पड़ता है। सो ये उम्मीद है, एसएच फील का ये उम्मीद है और एसएच फील से जुड़ी और फाउंडर का एक ही उम्मीद है कि ये कंपनी 2018 से जब से शुरुआत किए थे 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ये 5 ईयर एसएचपीएल को मिला है काम करने के लिए और एक नया ईयर 2023 में एसएचपीएल ने शुरुआत किया। एसएचपीएल का एक टारगेट है 5 साल जो भी बिजनेस किया है उस 5 साल को क्यूमुलेटिव करके 2023 के अंदर वो बिजनेस हम लोग करेंगे। अर्थात इस बार सीधा जो बिजनेस लेकर जाएंगे 5 टाइम्स मतलब कंपनी का टर्नओवर कर लेके जाएंगे 2023 के अंदर, तभी जाके मार्केट के अंदर लोगों को दिखेगा कि एसएचपीएल के अंदर पावर क्या है। लेकिन ये एक माइंडसेट है, इस माइंडसेट को करने के लिए जैसे आज आप सभी लोगों को पता है कि आज का जो दिन है इसको हम लोग बोल रहे हैं फैबुलस फ्राइडे। ये फैबुलस फ्राइडे है क्या? इस फैबुलस फ्राइडे के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई फ्राइडे के अंदर हम लोग इस फ्राइडे को फैबुलस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पे हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं इस मीटिंग के दौरान काफी सारे चीज लोगों को काफी सारे इन्फॉर्मेशन लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं और उस इन्फॉर्मेशन के द्वारा लोगों के करियर के अंदर कैसे सक्सेस को लेकर आते हैं। इस फैबुलस फ्राइडे के द्वारा हम लोग नया नया टॉपिक्स लेके आते हैं जहाँ पे आपको लीडर को सुनने के लिए मिलता है, लीडर कैसे सेटिस्फाइड होकर काम करते हैं और ये फ्राइडे घूम फिर के आते हैं। लेकिन शायद महीने में एक फ्राइडे ऐसे आता है जहाँ पे हम आपके साथ बात करने के लिए आते हैं और हम क्या सोच और कौन सा विचार लेके काम कर रहे हैं ये टॉपिक्स के ऊपर काम करने के लिए आते हैं। तो ये फ्राइडे को हमें फैबुलस नहीं बनाना है, इस पूरा दिन को हमें फैबुलस बनाना है, हम लोगों को टारगेट होना चाहिए क्योंकि जीवन के अंदर एक एक दिन जो होता है बहुत कीमती होता है। और आज कोशिश करेंगे आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों के अंदर काफी सारे जो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ समय इमेजेस ऐसे आ रहा है जहाँ पे हम लोग दिख रहे हैं कि कोई एक घर के अंदर काफी सारे लड़के बैठे हुए हैं। अर्थात आप लोग कोई एक रूम के अंदर बैठ के किसी एक डेस्कटॉप या किसी एक मोबाइल के द्वारा मैसेज लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आप लोग जहाँ पे भी हो, जहाँ से भी सुन रहे हो, आप लोग ये जो मेहनत है डेफिनेटली आप लोगों के जीवन के अंदर एक मेहनत एक रंग लेकर आएंगे और आप लोगों का जो प्रयास है काम करने का, जो आप लोग की इच्छा है, जो जुनून है, ये जुनून आपके जीवन के अंदर सक्सेस लेकर आएंगे। 2023 के अंदर यही टारगेट है। चलिए आज बात करते हैं फैबुलस फ्राइडे के अंदर, राइट। तो फैबुलस फ्राइडे में मेरा एक ही बात है कि आप खुश हो, आर यू हैप्पी। इस जीवन के अंदर हम लोग कुछ भी करते हैं, अपने जीवन के अंदर एक ही टारगेट रहता है, हम कैसे खुशी रह पाए और अपने से जुड़े हुए लोग कैसे खुशी रह सकते हैं। आपके लिए खुशी आपकी मम्मी हो सकते हैं, आपके लिए खुशी आपके पापा हो सकते हैं, आपके लिए खुशी आपके बच्चे हो सकता है। अर्थात जीने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए जीवन के अंदर पैसा सभी लोग कमाते हैं, कोई नौकरी करके करता है, कोई बिजनेस करके करता है, कोई एक प्रोफेशन से, चाहे लॉयर हो सकता है, चाहे डॉक्टर हो सकता है, चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होता है, लोग अलग अलग प्रोफेशन से पैसा कमाते हैं। क्या जीवन के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होता है कि मैं जीवन में खुश हूँ? और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे लोग आते हैं, गांव से आता है, देहात से आता है, काफी सारे लोग काफी सारे सपने लेकर आते हैं, जीवन के अंदर काफी सारा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को लेके आज कोई ना कोई व्यापार शुरू करता है। सभी लोगों के एक ही मकसद रहता है कि आर यू हैप्पी, आप खुश हो। और जीवन के अंदर खुशी एक ऐसा चीज है सभी लोगों को चाहिए। जीवन के अंदर अगर खुशी नहीं रहेंगे तो आप कोई भी काम कर नहीं सकते। सो 2023 के अंदर आप जो शुरुआत कर रहे हैं, इस शुरुआत के अंदर कुछ लोग हैप्पी है, कुछ लोग अनहैप्पी है, लेकिन हम सभी लोगों को हैप्पी बनना ये जीवन के अंदर एक मकसद है क्योंकि जीवन के अंदर खुशियां आपके लिए सबसे बड़ा एसेट है। अगर आपके जीवन में खुश नहीं हो तो जीवन के अंदर कोई बड़े काम कर ही नहीं सकते। तो जीवन के अंदर ये जरूरत है कि आप कितने जल्दी हैप्पी हो पा रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो यहाँ पे एक स्लाइड एक प्रेजेंटेशन के साथ मैं आप लोगों से शुरू कर रहा हूँ। एक टॉपिक से और कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा है यू विल बी एग्जैक्टली एज हैप्पी एज यू डिसाइड टू बी।
आप आपके जीवन के अंदर खुशी तभी हो सकता हो अगर ये निर्णय आप खुद लेते हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विल बी एग्जैक्टली एज हैप्पी एज यू डिसाइड टू बी। अगर आप चाहते हो तो आप हैप्पी रह सकते हो, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज होता है, आपके जीवन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप जीवन के अंदर काम शुरुआत करते हैं, काफी सारे प्लानिंग करते हैं, अपने जीवन के अंदर काफी सारे सपने रहते हैं, आंखों में काफी सारा अपने सपना रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अपने जीवन के अंदर एक्चुअल अपनी चाहत क्या, अपना सोच क्या है, पर्पस क्या है, अपने पास क्लियर नहीं है। आप जब तक आपके जीवन में क्या जरूरत है, आपको बेसिकली क्या चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, जब तक आप क्लियर नहीं कर पाओगे तब तक जीवन के अंदर कुछ कर नहीं पाओगे। और ये जीवन आपका ही जीवन को आपको जीना है और आपके जीवन के साथ जो भी लोग जुड़े हुए उसको खुशी रखना और आपको कैसे खुशी रहना ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो ये डिसीजन पूरा आपके हाथ में है और ये बहुत ही इजी डिसीजन है। मुझे लगता है जो लोग जीवन के अंदर अपने जीवन को ज्यादा कॉम्प्लिकेसी करते हैं जीवन में कभी खुश नहीं हो पाते, लेकिन जो लोग जीवन को एक सिंपल वे में जीते हैं और एक ऑनेस्टी एक डेडिकेशन वे में जीते हैं वो जीवन के अंदर हमेशा खुशी रहते हैं। सो मेरा ये मकसद है, आप जहां पे भी हो जैसे भी कर रहे हो, आपके जीवन के अंदर एक सोच होना चाहिए आप आपके जीवन के बेस्ट देने वाले हो और इसके अंदर आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। आप अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी काम अगर ऑनेस्टली डेडिकेटेडली काम करो तो आपको रिजल्ट आएगा और जब आपको रिजल्ट आना शुरू होगा सो डेफिनेटली आप जीवन के अंदर हैप्पी इंसान बन सकते हो और आप आपके परिवार के अंदर भी खुशी लेकर आ सकते हो। कभी कभी अपने जीवन के अंदर जब उतार चढ़ाव होता है तो हम लोग एक मिस्टेक करते हैं, हम लोग का मिस्टेक ये रहता है कि हम लोग अपने जीवन के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको दोस्तों एक पे मैसेज देना चाह रहा हूँ, इस जीवन का जो शुरुआत होता है हर एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति को भी सक्सेस मिलता है उनके जीवन के अंदर काफी सारा समस्या आते हैं। आज अगर हम इस व्यापार को कर रहे हैं, इस व्यापार शुरू करने के पहले 17 साल 18 साल उम्र में जब अपने करियर को शुरुआत किए थे अपने जीवन के अंदर काफी सारा समस्या आए थे, बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज अचीवमेंट करके आगे बढ़ रहे थे, जीवन के अंदर लालच भी आए थे, लेकिन एक चीज जिस दिन हमने अपने लालच को कंट्रोल कर लिए और एक ही इंडस्ट्री के साथ एक ही सिस्टम के साथ चलने की कोशिश किए, धीरे धीरे करके जो अपने सपना था उससे भी ज्यादा सपना हम लोग पूरा करना शुरू कर दिए। सो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप आपके जीवन को कैसे जियोगे। जीवन के अंदर समस्या आएंगे और समस्या का जो समाधान है, जीवन के अंदर अगर समस्या आता है तो समस्या के साथ इस समस्या को पूरा करने के समाधान भी आते। तो हमें अपने जीवन को खुद जीना पड़ेंगे, हमें अपने जीवन को खुद लीड करना पड़ेंगे। सो ये बहुत जरूरी है आज 2023 के अंदर अगर हम कुछ अपने डिसाइड कर रहे हैं, इस डिसीजन के अंदर सबसे बड़ा जो चीज है हमें खुश रहना है और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को खुश रखना है और ये आप और हम कर सकते हैं, राइट। सो लास्ट, यू विल नेवर बी ट्रूली हैप्पी, यू विल नेवर बी ट्रूली हैप्पी इफ यू कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू थिंग्स दैट मेक यू सैड। आपके जीवन के अंदर आपको सचमुच में अगर खुशी रहना है या खुशी पाना है सो आपके जीवन के अंदर कुछ चीज को आपको त्याग करना बहुत जरूरी है। जीवन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं। इस इंडस्ट्री हमें ये सिखा है हमें नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना पड़ेंगे। आप अगर आपके जीवन से नेगेटिव थॉट से बाहर निकलते हो या बाहर निकल पाते हो तब आपको एक नया जीवन दिखते हैं और इस जीवन के लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ेंगे। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके जीवन के अंदर कुछ भी पाना है सो उस पाने का दवाई एक है, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना पड़ेंगे और पॉजिटिव रिएक्ट करना पड़ेंगे, पॉजिटिव एक्ट करना पड़ेंगे और पॉजिटिविटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेंगे। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या है, चाहे कोई भी मार्केटिंग, चाहे कोई बिजनेस, चाहे कोई प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको समस्या आता है उस समस्या से अगर आपको बाहर निकलना चाहिए या बाहर निकलना आप चाहते हो तो आपको जीवन के अंदर हमेशा पॉजिटिव रहना जरूरी है। वंस मोर में रिपीट करो, we will never be truly happy if you continue to hold on to things that make you sad। आज आपके जीवन के अंदर काफी सारे ऐसा चीज है जिसको बाहर निकला, मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा डाउनलाइन मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मेरे लोग ये कर रहे हैं, मेरे वो लोग कर रहे हैं, मेरा माता पिता सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा दोस्त सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, मैं अच्छे घर से नहीं हूँ, मैं अच्छे बोल नहीं पाता हूँ, ये जो काफी सारे जो चीजें इसको हम पकड़ के बैठे रहते हैं। जीवन के अंदर ये सारे चीज एक चैलेंज है, इस चैलेंज से हमें बाहर निकलना पड़ेंगे। अगर हम चैलेंज से बाहर निकल पाएंगे सो डेफिनेटली हम अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ कर पाएंगे। सो आपको जीवन के अंदर काफी सारा सपने रह सकते हैं और इस सपने के साथ जो समस्या रहेंगे वो कहीं गुना रहेंगे।
आपको एक समस्या का हाल निकालना पड़ेंगे, समस्या से बाहर निकालना पड़ेंगे, तभी जाके आप जीवन के अंदर बहुत सारे बहुत कुछ आप पा सकते हो और बहुत कुछ लोगों को दे सकते हो, क्योंकि आपके परिवार के राजा आप हो और आपके परिवार के डिसीजन मेकर आप हो, और आपको और आपके परिवार को कैसे कैसे खुश रखना ये पूरा डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर। सो जीवन के अंदर प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एक मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है। इस दुनिया के अंदर वही व्यक्ति जीवन के अंदर तरक्की किया है जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, और आपको नेगेटिविटी से बाहर निकलना और हमेशा पॉजिटिव राह पे चलने की कोशिश करना पड़ेगा। दोस्तों इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को सक्सेस चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सक्सेस नहीं चाहिए, और जब सक्सेस मिलता है तो लोगों को दिखता है। जैसे अगर आप देखेंगे आप आइस ब्रेक जो ये जो स्टोरी हमें देखते हैं कि कोई समुद्र के अंदर जब हमें आइस देखते हैं सो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस आइस के नीचे एक हिस्सा जो होता है 20% ऊपर में रहता है और 80% नीचे रहता है। मतलब एक हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो चाहे जीवन के अंदर अपने परिवार के अंदर ये जो जहाँ पे भी हम रहते हैं, अगर हम सक्सेस देखते तो सक्सेस देख के सभी लोगों को मजा आता है, लेकिन इस सक्सेस को पाने के लिए जो चीज की जरूरत है वो चीज जानना बहुत जरूरी है। जैसे इस सक्सेस पाने के लिए आपके जीवन के अंदर डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर हार्डवर्क होना जरूरी है, आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। सो डेडिकेशन की अगर बात करेंगे, डेडिकेशन कौन सा चीज के ऊपर दे, हार्डवर्क कौन सा चीज के ऊपर करें, डिसिप्लिन कौन सा सिस्टम के साथ काम करेंगे। सो डेडिकेशन आप जिस व्यापार कर रहे हो, जिस व्यापार के साथ आप सपना दिख रहे हो, उस व्यापार को पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम बात कर रहे हैं SHPL के बारे में, अगर हम बात करेंगे SHPL बिजनेस के बारे में, सो इट्स नेसेसरी टू यू प्रोवाइड योर डेडिकेशन। आपको रोज आपके जो भी है डेडिकेशन की अगर बात करेंगे, आपको कंपनी का प्लान जानना पड़ेगा, आपको कंपनी का प्रोडक्ट जानना पड़ेगा, सिस्टम जानना पड़ेंगे और इसको डुप्लीकेशन करना पड़ेंगे। हार्डवर्किंग डेफिनेटली आपको लोगों के घर घर पे जाके प्लान दिखाना पड़ेंगे, लोगों के घर घर पे जाके प्रोडक्ट लेके बात करेंगे, आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनको नेटवर्किंग सिखाना पड़ेंगे, उनके साथ जाके BOP प्रोग्राम करना पड़ेंगे, और ये हार्डवर्किंग आपको करना बहुत जरूरी है और डिसिप्लिन एक सिस्टम के साथ। आज जैसे एक जूम मीटिंग हो रहा है, जूम मीटिंग के अंदर सीनियर ने आपको लिंक भेजा है, आपने वो लिंक मोबाइल में डाल दिया, आपको पता ही नहीं कि 8 बजे ये मीटिंग शुरू हो चुका है और आपने क्या किया, इसका कोई डुप्लीकेशन नहीं किया। दोस्तों आप सोच के देखो कैसा इंडस्ट्री है जहां पे दो व्यक्ति जुड़ जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, कभी जाके 1600-1600 का टीम बन जाते हैं, और जब ये टीम बड़ा होना शुरू करता है ऑटोमेटिकली आपके घर पे पैसा आना शुरू करते हैं। लेकिन इस गाड़ी को उस मौकम तक लेकर जाने के लिए आपके अंदर डेफिनेटली डेडिकेशन की जरूरत है, हार्डवर्किंग जरूरत है, डिसिप्लिन जरूरत है। डेडिकेशन डेफिनेटली आपको दिखाना पड़ेंगे, आपको सीनियर जो मीटिंग में बुला रहे हैं आपको आना पड़ेंगे, चाहे सुबह 6 बजे हो शाम को 6 बजे हो, आपको धूप में खड़ा रहना पड़ेंगे, सर्दी में खड़ा रहना पड़ेंगे, आपको मीटिंग अटेंड करना पड़ेंगे, जेब में पैसा नहीं है फिर भी पैसे को अरेंज करके आपको मीटिंग अटेंड करना है, सीनियर को बोलना चाहिए ये कैसा लड़का है, जहां पे भी मीटिंग लगता है जो बोलता है करता है, ये डेडिकेशन आपको देखना पड़ेगा। हार्डवर्किंग, चाहे रात को 12 बजे हो, चाहे खाना मिल रहा है नहीं खाना मिल रहा है, चाहे दोपहर को खाना मिला है या शाम को खाना मिला है, कोई फैक्ट नहीं, आपको प्लान आपको करना पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका हार्डवर्किंग है। लोग आपको बोलेंगे, लोग बोलना चाहिए कि रही पैसा लड़का है, 100 रुपए कैसा लड़का है, जिसको जब जितने बाजी बोलता है वो प्लान दिखाता है, आप टीम जब भी आपको बुला रहे उससे साथ मीटिंग कर रहे हैं, चाहे बिस्तर पे बैठ के हो, चाहे जमीन पे बैठ के हो, चाहे स्टेशन में हो, चाहे चाय की दुकान पे बैठ के, लोगों को आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग आपको करना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हो आज 2 प्लान कर लिए आज के लिए काफी, अगर आपको आज मौका मिल रहा है ना 20 प्लान दिखाने के लिए, आज दिखा लो, कल आपको मौका नहीं भी मिल सकता है, शायद उस दिन आप ये तरस रहे हो कि भाई उस दिन अगर उस 20 लोगों को अगर BOP में कर लेता तो शायद मेरा आज 2000 लोगों का टीम बन जाता। आज जो आपके साथ काम करे कल कोई भी करने के लिए नहीं रह सकता है, लेकिन अगर आपको डेडिकेशन रहेगा ना 10 बंदा आपके टीम के साथ जुड़ जाएंगे। आपको मीटिंग अटेंड करना पड़ेंगे, आपको कंपनी के बारे में जानना पड़ेंगे, आपके सीनियर क्या बोल रहे हैं आपको जानना पड़ेगा, जो व्यक्ति इस बिजनेस से इस व्यापार से पैसा कमा रहा है, जो लाखों कमा रहा है, जो करोड़ कमा रहा है, जो लोगों को लाखों कमा के दे रहे हैं, उनको आपको सुनना पड़ेगा, उनको आपको जानना पड़ेगा, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। आपको चाहे कोई शादी हो आपको छोड़ना पड़ेंगे, चाहे कोई दोस्त का बर्थडे पार्टी हो आपको छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए क्या होता है कि ना आपके लक पे लक्ष्य क्या आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये डेडिकेशन तब आता है, हार्ड वर्किंग तब होता है, डिसिप्लिन तब आता है जब आपके जीवन के अंदर आपको जीने का रीजन रहता है, आप जो चीज को काम कर रहे हो उसके प्रति आपका क्या सोच है, क्यों कर रहे हो, ये क्यों पर जब तक नहीं क्लियर होगा ना आप डेडिकेशन हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन दिखा नहीं पाओगे। आज ये डेडिकेशन एक इंग्लिश वर्ड है, हार्डवर्क इंग्लिश वर्ड है, डिसिप्लिन एक इंग्लिश वर्ड है, इसका शब्द है, लेकिन इसका जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आपका सक्सेस देखता है और इस सक्सेस के पीछे छुपा रहता है आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्किंग, आपके डिसिप्लिन।
दोस्तों यहाँ पे और एक चीज है, काफी ज्यादा चीज सैक्रीफाइस करना पड़ता है आपको सक्सेस पाने के लिए। कितने शादी आप ऐसा है जो हम लोगों ने कभी अटेंड नहीं किए, कितने बर्थडे हम लोगों ने अटेंड नहीं किए, शायद कितने लोगों ने हमें प्रपोज किया था अपने रिजेक्ट किए थे, क्योंकि आपने जीवन के अंदर टारगेट क्या है, गोल क्या है ये फिक्स था। जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आएंगे, कभी आप 10 प्लान दिखा दोगे कि लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आता है वही 10 लोग आपके साथ जुड़ते। सो कुछ समय के लिए आपके पे आउट बढ़ सकता है, कुछ समय के लिए आपके घर सकता है, लेकिन आपको खड़ा रहना पड़ेंगे। ये जो परसिस्टेंस जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब है आपको एक सिस्टम के साथ टिका रहना पड़ेंगे। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सैक्रिफाइस, फेल्योर, परसिस्टेंस ये बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जीवन के अंदर डेडिकेशन, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, फेल्योर, परसिस्टेंस ये जीवन के अंदर एक कॉमन वर्ड है। और इस कॉमन वर्ड के साथ जितने भी लोगों ने लड़ाई किया है उनको सक्सेस मिला है। तो जब आप ये चीज को एक तहे दिल से करते हो, एक सच्चे दिल से करते हो, तो जीवन के अंदर आपके पास सक्सेस आता है। और उस सक्सेस को आपको अटेंड करना पड़ेगा। लोग एक दिन आपको सक्सेस देके ताली मारेंगे, लोग एक दिन आपको सक्सेस देके सैल्यूट ठोकेंगे, लेकिन इसके पहले आपको काफी सारे चीज ऐसा है आपके जीवन के अंदर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर आप अगर रोज अगर 2 से 4 घंटा निकाल के अगर 100% डालोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। लोग इंश्योरेंस में काम करते हैं, लोग प्राइवेट बैंक में काम करते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उनको ड्यूटी लगाना पड़ता है, तब जाके उनको 40,000-50,000 का पे आउट आता है। क्योंकि अगर दोस्त आपका बैंक में काम कर रहा है उसको पूछिए, इस विंटर के समय भी उसको सुबह 8 बजे आना पड़ा, और जहाँ पे आपको पता है कि बैंक क्लोज हो जाता है 4:30 बजे के बाद, तब उसको 10 बजे बैंक का पूरा रिपोर्टिंग करके सब कुछ कंप्लीट करके घर पे आते आते 11 बजे तक वही जीवन है 40-50 हज़ार के लिए लोग जी रहे हैं। और जहां पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपका सीनियर सिखा रहा है कि यहाँ पे अच्छे मोबाइल आपको मिल सकता है, यहाँ पे अच्छे बाइक आपको मिल सकता है, यहाँ पे अच्छे लाइफस्टाइल आपको मिल सकता है, यहाँ पे आपको अच्छे गाड़ी मिल सकता है, यहाँ पे आपको अच्छे कमाई हो सकता है, सिर्फ 2-4 घंटा सिर्फ आप अपने डेडिकेशन, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, फेल्योर, परसिस्टेंस ये चीज को मेंटेन करके इस चीज का शब्द का वैल्यू समझ के आप आपके जीवन में आगे बढ़ सकते हो। आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपके पास पैसा है कोई भी प्रोडक्ट लेके, कोई भी नेटवर्किंग कंपनी का आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, लेकिन आपके जीवन के अंदर अगर सक्सेस पाना है तो उसके लिए आपको एक सिद्धांत लेना पड़ेगा, अर्थात आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए लोग कहते हैं कि डिसीजन मेकर परफेक्ट मैन। आपके आपके जीवन के अंदर एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप क्या चाह रहे हो और आपके जीवन के अंदर क्या जरूरत है। दोस्तों यही प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के अंदर कोई 1,000 कमा रहा है, कोई कुछ भी नहीं कमा रहा है, कोई भी बंदा 20 लाख 10 लाख का पे आउट लेके जा रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म में प्रूफ करके दिखाया है 6-7 महीना काम करके भी 40 लाख 50 लाख रुपया यहाँ पे कमा सकते हैं। यहाँ पे लोग एक फाइनेंशियल के अंदर 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। एक ऐसा इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री को पाने के लिए आपको ना एडुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ना शाहरुख खान सलमान खान जैसे आपको देखने में सुंदर होना चाहिए, बस आपके जीवन के अंदर एक डिसीजन होना चाहिए। आप डेडिकेशन, हार्डवर्किंग एंड डिसिप्लिन से पीछे नहीं हटोगे और कंटिन्यू एक सिस्टम के साथ आप खड़े रहोगे। दोस्तों मैं हमेशा और एक चीज बोलता हूं, इस दुनिया के अंदर कोई प्लान, कोई प्रोडक्ट, कोई सिस्टम आपको मोटिवेट कर नहीं सकते। जब तक आप नहीं चाहते हो तब तक कुछ हो नहीं पाएंगे। ये आपको सोचना है, आपको बोलना है, आपको करना है। आज हमें सबको पता है कि आज कोई भी इंडस्ट्री के अंदर, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर अगर हमें टिका रहना है, इंडस्ट्री को अगर पूरा करना है, अगर आज अगर उस इंडस्ट्री का मुझे कुछ पाना है तो हमें एक चीज बहुत जरूरी है, एक एजुकेशन सिस्टम। ऐसी फील एजुकेशन सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जहां पे काफी सारे कंपनी प्लान तो लेकर आ जाते हैं, प्रोडक्ट लेकर आ जाते हैं, लेकिन लोगों को सिस्टम दे नहीं पाते। लेकिन ऐसी फील एक ऐसा कंपनी है जहां पे रेगुलर वाइज कंपनी कोशिश कर रहे हैं आपके पास कैसे एजुकेशन को आपको दिया जाए। आज हर महीने का कंपनी आपको एक शेड्यूल दे रहा है जहां पे आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको सुनने का मौका मिलता है। मंडे से लेके फ्राइडे तक कंपनी आपको हेल्थ एंड वेलनेस को लेके ट्रेनिंग देता है, कंपनी आपको पर्सनल केयर प्रोडक्ट लेके, एग्रो केयर प्रोडक्ट लेके, इनफैक्ट कंपनी का जो टेस्टिमोनियल है, जो प्रोडक्ट लेके काम कर रहा है, जिस प्रोडक्ट को कंपनी को कैसे रिजल्ट मिल रहा है। आज जब इस व्यापार के साथ जुड़ते हैं लोग हमें क्वेश्चन करते हैं क्या ये प्रोडक्ट लेने से मुझे राहत मिलेगा,
आज आपका डायबिटिक प्रोडक्ट यूज करके लोगों को डायबिटिक का रिजल्ट मिल रहा है। आज इस पास को लेके कहा जाने कितने लोगों आज जो कैंसर जैसे बीमारी से गुजर रहे थे जिसका इनिशियल लेवल थे, काफी लोगों ने ये प्रोडक्ट को यूज करके एज ए सपोर्टिंग बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के नाम पे आज लोग सही हो चुका है। आज कितने लोगों को प्रेशर के प्रॉब्लम थे, आज ना जाने सी बक्सन को प्रोडक्ट को लेकर काफी लोगों को राहत मिला है। आज कितने लोगों को घुटने में प्रॉब्लम थे, जहां पे कंप्लीट हो जैसे प्रोडक्ट यूज करके लोगों को रिजल्ट मिला है। आज काफी सारे प्रोडक्ट है जो लेडीज से लेके बच्चे से लेके बूढ़े से लेके हर एक प्रोडक्ट लोग एसएच पिल यूज कर रहे हैं, लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। आपको टेस्टिमोनियल रूप से दिया जा रहा है, जिस टेस्टिमोनियल से आपको सुनने के लिए मिले हैं, कोई ना कोई शहर से लोग आके बोल रहे हैं कि हम एसएच पिल के इस प्रोडक्ट को यूज किया, इस प्रोडक्ट को यूज करके हमें रिजल्ट मिला है। उस वीडियो को उठा के आप अपने कस्टमर को बना सकते हैं, उस वीडियो को उठा के आप अपने टीम को डेवलपमेंट कर सकते हैं। आज लोग एग्रो केयर लेके प्रोडक्ट काम कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं कि ग्रैनुल कब यूज करना है, नीम कब यूज करना है। इसके लिए कंपनी हर एक प्रोडक्ट आपको प्रेजेंटेशन बना के दे रहा है और उस प्रोडक्ट आपको ट्रेनिंग दे रहा है। दोस्तों पैसा आप यूं ही नहीं कमा सकते हो, पैसा कमाने के लिए आपको एडुकेटेड होना जरूरी है, पैसा कमाने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन आना जरूरी है, पैसा आने के लिए आपके लिए डेडिकेशन होना जरूरी है। आज कोई व्यक्ति इस कंपनी से जागुआर लेके घूम रहा है और आज भी आप साइकिल में बैठ के सोच रहे हो उससे हो सकता है मुझसे नहीं हो सकता है, और उस जागुआर वाले को पूछ के देखो शायद उस समय उसके पास एक साइकिल भी नहीं था। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जो हमें काफी चीज है, लेकिन उसके पहले हमसे लेता है। आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, आपको इस सिस्टम के साथ खड़े रहकर बिजनेस करना पड़ेंगे, और ये तब पॉसिबल से आपसे अंदर डेडिकेशन तब आएंगे, आपके अंदर से डिटरमिनेशन तब आएंगे, आपके अंदर बिजनेस खड़े रहने का ताकत तब आएंगे जब आप बिजनेस को जानोगे, सिस्टम को जानोगे, जब कंपनी के प्रोडक्ट जानोगे, कंपनी के प्लान को जानोगे, कंपनी का क्या सोच है। इस चीज जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप इस व्यापार में आपके डेडिकेशन डिसिप्लिन आपका डिटरमिनेशन दिखा नहीं सकते। सो एडुकेशन एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है। हम हमेशा बोलते हैं कि हमें अर्न करने के पहले एक एल को हमें जानना जरूरी है कि लर्न एल ई आर रन, पहले लेल से शुरू होता है आपका लर्न। जब एल को आप सीख लेते हो तब आपको होता है अर्न। तो आपके जीवन के अंदर आपको सीखना जरूरी है। दोस्तों मुझे लग रहा है कि ऐसी स्पील का ये जो जूम वेबिनार जो रोज सुबह होता है, ये सुबह उठ के अगर मतलब आप सभी लीडर जितने सारे मुझे सुन रहे हैं, आज अगर आप डिसिप्लिन लेते हो तो जस्ट यहाँ पे सुबह हजार हजार लोगों को भीड़ होना चाहिए, आप लोगों से फोन को हराना चाहिए, गोपाल सर अभी इस वेबिनार को आप जो है इसको और भी बढ़ाओ, क्योंकि 5,000-6,000 लोगों को भीड़ लग रहा है, लेकिन वहां पे सिर्फ 1,000 लोगों का ही भीड़ आ रहा है, लेकिन वहां पे सिर्फ 200-250 लोगों का आप लोगों का मीटिंग आता है, क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं है, आप लोग डिटरमाइंड नहीं हो। ये आपके टीम के अंदर जानना चाहिए, ये टीम को सुनना चाहिए, इस मुद्दे पे हमें बात करना चाहिए, और एक समय ऐसा चाहिए जहां पे आना चाहिए। इवनिंग के सेशन में आप देख रहे हो स्नो, आज लेडीज जितने वुमेन है इन लोगों को आगे लाने के लिए एसएच पिल का ये जो प्रोग्रामिंग है स्नो, जिसके अंदर कंपनी का टारगेट है सर्वश्री नेटवर्किंग आउटस्टैंडिंग वुमेन। आज सर्वश्री के साथ जितने भी लेडीज जुड़े हुए, इसका ताकत क्या है, आज नारी शक्ति क्या कर सकते हैं कंपनी के इनिशिएटिव पे। आज कंपनी क्या कर रहे हैं, एसएच पिल सिग्नेचर प्रोडक्ट वेडनेसडे, जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अच्छे आपको बिजनेस लेकर आ सकते हैं, जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर डिमांड है, इस प्रोडक्ट को लेके एसएच पिल सिग्नेचर प्रोडक्ट, आपको ये सोचना चाहिए, मतलब एसएच पिल जिस प्रोडक्ट को सिग्नेचर प्रोडक्ट लेके बात कर रहा है, ये प्रोडक्ट आपको एक बड़ा बिजनेस लेकर आ सकता है, और इस प्रोडक्ट के अंदर वो दम है, और ये प्रोडक्ट कंपनी बोल रहा है इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। अर्थात कंपनी जब प्लानिंग करता है तो कंपनी मार्केट सर्वे करके प्लानिंग करता है, अर्थात इस प्रोडक्ट आपको नॉलेज रहना। दोस्तों आप प्रोडक्ट मार्केटिंग काम कर रहे हो, कोई कॉन्सेप्चुअल मार्केटिंग नहीं है जहां पे लोग जुड़ने से आपको पैसा मिलता है, क्योंकि लोग जुड़ना कभी ना कभी बंद हो जाएगा, लेकिन जो लोग आप जुड़ रहे हैं उस लोगों को आपको एडुकेटेड करना है। जिस दिन आपके साथ जुड़े हुए लोग एडुकेटेड हो जाएंगे, 10 लोग जुड़े हैं तो 10 लोगों को बिजनेस सिखाओ, आप 11 लोगों के पीछे बाद में भागो, 10 लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में सिखाओ, 10 लोगों को बिजनेस प्लान के बारे में सिखाओ, 10 लोगों को कंपनी बारे में सिखाओ, और उसके लिए आपको सीखना जरूरी है। दोस्तों काफी सारे कंपनी में लोग तरसते हैं, मेरे पास अच्छी टीम है लेकिन मुझे ट्रेनिंग देने वाला कंपनी के पास नहीं। यहाँ पे तो कंपनी एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम आप लोगों के लिए करके दिया है, और जो ट्रेनिंग आपको इस व्यापार को बड़ा कर सकते हैं। आप किसी को पूछ के देखिए, इस व्यापार के अंदर सबसे बड़ा जो की रहता है वो आपका एडुकेशन, जो एडुकेशन आपको दिया जा रहा है।
ऐसा कंपनी जो सुबह उठ के आपके लिए तैयारी करता है। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हो 8 बजे तक ऑफिस में रहता है, 9 बजे तक ऑफिस में रहता है, 10 बजे तक ऑफिस रहता है, फिर भी सुबह उठ के उनको 10 बजे ऑफिस आना है, फिर भी प्रेजेंटेशन बना के आपके लिए तैयार रहता है। ये सिर्फ जॉब के लिए कर रहा है, सिर्फ उनको सैलरी पाना इसके लिए कर रहा है। दे आर वेरी मच कमिटेड विद द SHPL, दे आर वेरी मच डेडिकेटेड विद द SHPL, सो दे आर ऑलवेज रेडी टू सर्व ऑल दोस थिंग टू ऑल ऑफ यू। लेकिन आप लोगों को ये डिक्लेरेशन करना जरूरी है, आप लोगों को एक्सेप्ट करना जरूरी है। चाहे मित्र कितने बार बोल लूं, लेकिन आप लोगों को पहले ये समझना जरूरी है, दोस्तों मैं जिस प्रोडक्ट जिस बिजनेस कर रहा हूँ उस बिजनेस का मेन जो पावर है अपने प्रोडक्ट है, और अगर प्रोडक्ट के बारे में मेरे पास नॉलेज रहेंगे तो डेफिनेटली वी कैन डू एनीथिंग। आज कंपनी अपने डाउनलोड सेगमेंट के अंदर प्रोडक्ट के PPT बना के दे रहा है, आपको लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे रहा है। मेरा एक ही मैसेज आप लोगों को देने की कोशिश, ये जो जूम वेबिनार है, ये जो शेड्यूल है, इसको फॉलो कीजिए, इसका डुप्लीकेशन कीजिए। जिस दिन ये डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएंगे, जितने भी यहाँ पे दिग्गज लीडर काम कर रहा है, जितने भी यहाँ पे लीडर काम कर रहे हैं, आप लोगों का आज का एक रिस्पॉन्स भी बनता है। टीम तो बना चुके हैं, लेकिन टीम के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर आप लोग अभी भी नहीं कर रहे हो, तो it's your responsibility to duplicate these matches because of the only one reason to grow your business. ये आपका business है और इस business का की है product, so product का knowledge रहना आपके पास जरूरी है। So समय समय के अंदर कुछ नया नया चीज देना ये कंपनी का हमेशा टारगेट रहते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट कंपनी नया लॉन्च करने वाला है जहां पे मार्केट से काफी सारा डिमांड आ रहे थे, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। ये प्लान प्रोटीन जो है ये ऑर्गेनिक पीस से बनाया जा रहा है, इसके अंदर ब्राउन राइस डाला हुआ है और क्विनो जैसे हम लोगों ने इसके अंदर एक हर्ब्स भी यहाँ पे डाले हुए हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये आपके डाइजेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपके शरीर के अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो मात्रा है उसको बैलेंसिंग करेंगे और आपको एनर्जाइज करेंगे। और इसके अंदर हम लोगों ने एक मैंगोस्टीन जो डाला है जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, एक नया इन्वेंशन है, एक नया फॉर्मुलेशन है। इस महीने से आप लोगों की ये प्रोडक्शन हो चुका है और प्रोडक्शन होके ऑलरेडी अलग अलग वायरस के अंदर निकल चुके, तो बहुत ही जल्दी ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। इस प्रोटीन के ऊपर प्रोटीन क्यों जरूरत है, प्रोटीन कितने मात्रा के प्रोटीन की जरूरत है, इसको लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके लिए भी हम लोग एक वेबिनार बनाएंगे। आज आप लोग जो किड्स केयर प्रोटीन पाउडर जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जो अपने एक डिमांडेबल प्रोडक्ट है, ये जो आप देख रहे हैं कि हर प्रोडक्ट जो है एक नया साल के लिए कंपनी अपने जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हाईएस्ट सेल है, इस प्रोडक्ट का मात्रा को कैसे और भी बढ़ाया जाए और इस प्रोडक्ट का एफिकेसी कैसे और भी बढ़ाया जाए और इसका जो पैकेजिंग इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर कंपनी प्लानिंग कर रहे थे, राइट। सो इसका इंग्रेडिएंट्स को हम लोग और भी स्ट्रॉन्ग कर दिए, पैकेजिंग हम लोगों ने लाजवाब कर दिए। जैसे पहले क्या आता था, पहले आपका डब्बा में आता था, सो अभी आपका जो नेक्स्ट जो ऑर्डर आएंगे, इस ऑर्डर के अंदर आपको ये मिलेंगे, आपको एक कंटेनर मिलेंगे जो कंटेनर प्रिंटेड रहेगा, अर्थात आपका जो टीना का जो डब्बा रहता है उस डब्बा पूरा प्रिंटेड वर्ल्ड ब्रांडिंग होकर आएंगे और अंदर का जो चीज है वो भी पूरा डेवलप होकर आ रहा है। एक नया चीज के साथ हम लोग इसको लॉन्च किए, इसको हम लोगों ने शुगर फ्री प्रोसेस के अंदर डाले है और इसके अंदर काफी सारे मात्रा ऐसा डाला है जिसके हम लोग एनालिसिस करके डाले, क्योंकि आने वाले दिन के अंदर ये अपने सेल को और भी अच्छे पोजिशन में लेकर आ सकते हैं। मजा के बाद ये जो है ये अभी से आपको 400 ग्राम और 200 ग्राम का डब्बा मिलेंगे। कुछ लोग ये बोलते थे कि थोड़ा कम हो जाते तो हम कम रुपया से अपने घर के बच्चे के लिए स्टार्ट कर सकते थे, और SHPL को तो आपको पता है एक के साथ एक पूरी घर घर सर्विस थी, और ये नारा आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि घर घर SHPL, हर घर SHPL, ये मैनेजमेंट का एक सोच है और इस विचार के ऊपर मैनेजमेंट काम कर रहा है। नेक्स्ट वुमेन केयर प्रोटीन पाउडर, लेडीज लोगों को बहुत ही जरूरत है। इस प्रोडक्ट को भी एक नया लुक के साथ, एक और भी स्ट्रॉन्ग प्रोसीड्यूर के साथ इस प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है। और इस प्रोडक्ट के ऊपर जैसे देख रहे हैं लड़का लोगों के लिए भी डाले हम लोगों ने, मतलब पूरा फैमिली पैकेज हम लोग यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। जो प्रोडक्ट लोगों को जरूरत है ये वही प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, लेकिन नया साल 2023, नया उम्मीद, नया सोच, नया डेवलपमेंट के साथ लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बात करते हैं। कंपनी का जितने पुराना हो जाता है प्रोडक्ट का मान घटते जाता है, लेकिन SHPL हमेशा एक चीज बोलेंगे, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते जाएंगे कंपनी डेवलप करते जाएंगे, कभी झुकेंगे नहीं। हो क्या फिल्म है ना पुष्पा, झुकेंगे नहीं, बाकी नहीं बोलता, समझ लीजिए, मतलब रोज का रोज डेवलपमेंट करते हुए कंपनी जा रहा है। आपके अंदर वो जोश होना चाहिए, आपके अंदर वो जुनून हो चाहिए, आप एक ऐसा कंपनी के साथ काम करो जो कंपनी सोच रहे आपके बिजनेस को कैसे बड़ा करे, जहां पे कंपनी 200 ग्राम के लिए भी आपके लिए कॉन्टेनर लेकर, आप सोच के देखिए बिजनेस कितना ईजी हो जाएंगे। आप छोटे छोटे प्रोडक्ट जब लोगों के घर पे लेकर जा रहे हो, क्वालिटी प्रोडक्ट लेकर जा रहे हो, कंज्यूमर बेस नेटवर्क बना रहे हो, लोग प्रोडक्ट को यूज करेंगे और आपको बोलेंगे रियली आप एक गुड प्रोडक्ट दे रहे हो, इकोनॉमिकली लोगों को आप हेल्प कर रहे हो, क्योंकि बाय वन गेट वन प्रोडक्ट, और आप बिजनेस को कैसे रिप्रेजेंट
डिसीजन करो, कैसे एक्सेप्ट करो, या आपके ऊपर डिपेंड करे विच इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ। आपके जीवन के अंदर आपको प्रायोरिटी सिलेक्ट करना जरूरी है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप जुड़ चुके हैं तो आपको प्रायोरिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप बिजनेस को क्या समय दे रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये हम लोग जो व्यापार कर रहे हैं ये एक फैमिली बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे न्यूट्रिशन की जरूरत है। सो एक वेबिनार जो है आप लोग अभी देख रहे थे, वेडनेसडे 8 बजे 1 फरवरी 2023 शुभाशीष सरकार, जो आपको आपने टोटली न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को ऑफिशियली आप लोगों के सामने लॉन्चिंग करेंगे, जहां पे आपको प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। सो SHPL काफी लोगों का ऐसा मेरे पास कॉल था, जिस कॉल के अंदर था कि ये जो प्रोडक्ट जो है प्राइसिंग के मामले में SHPL हमेशा नंबर वन रहा जब हम लोगों ने ये सिंगल अप जो प्रोडक्ट जो हम लोगों ने लॉन्च किए थे। सो इस प्रोडक्ट को लेकर कंपनी के पास काफी सारे कॉल आए थे कि सर ये इनसाइड में जो अपना जो टैबलेट रहता है, ये टैबलेट क्या होता है, जब अपने जार्किंग होता है तब कुरियर के चक्कर में काफी सारे टैबलेट ऐसा होता है जो टूट जाता है, जिसके लिए डस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये प्रोडक्ट हम लोगों ने एक मार्केट के अंदर, आपको पता है कि क्लासिकल ये टैबलेट है, क्लासिकल हर्सी ये बनाया जाता है जो 60 वेजी टैबलेट था, ये प्रोडक्ट जो भी अपने पुराना जो कंटेनर था 1 बाय 1 हम लोग क्लोज कर रहे हैं, करके हम लोग क्या कर रहे हैं नया जो प्रोडक्ट है इसको नया मतलब अभी जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट को और भी हम लोग ने डेवलपमेंट कर दिए, और इसका पैकेजिंग जो है पैकेजिंग को भी हम लोग ने डेवलप किया। जब आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे आपको कंटेनर, इसका पैकेजिंग और इनके अंदर जो टैबलेट का जो समस्या था इसको हम लोग कोटेड करके स्पेशली करके ये प्रोडक्ट हम लोग 1 बाय 1 हम लोग ऑलरेडी शुरू कर दिए। शायद लास्ट 1 महीने से शिलाजीत ऑलरेडी लोगों को मिलना शुरू हो गया, राइट, जहाँ पे काफी लोगों को कमेंट्स आया था कि डब्बा से लेके हर एक प्रोडक्ट के अंदर आए। और बाकी अभी गिलोय और शाला की जो टैबलेट है, ये जो दो प्रोडक्ट है, ये दो प्रोडक्ट भी आ चुके हैं, ये दो प्रोडक्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगे। सो 1 बाय 1 ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर भी डेवलपमेंट किया गया है, और जिसका भी वेस्ट बंगाल के अंदर टीम है वेस्ट बंगाल को 5 फरवरी Sunday 2023 एक ऑडिटोरियम है कैलकाटा हर मतलब मिडिल में क्या बोलते हैं यहाँ पे है यूथ सेंटर है, यूथ सेंटर के अंदर करीबन 500 का एकोमोडेशन रहता है। ये SHPL के कलकत्ता के अंदर एक प्रोग्राम है, जितने भी कलकत्ता के लोग हमें सुन रहे हैं। सो 5 फरवरी Sunday 2023 या बाहर से भी जितने भी लोगों का कलकत्ता में टीम है आप लोग अपने ग्रुप के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 2:30 को रिपोर्टिंग टाइम है। सो यहाँ पे मुरली यूथ सेंटर, यहाँ पे कंपनी की रेगुलर मीटिंग होता है। सो ये रेगुलर मीटिंग आपका टीम यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। और सबसे गुड न्यूज, आप लोग जो भी लोग SHPL के साथ जुड़े हैं, SHPL के लिए प्राउड मूवमेंट है और ईस्टर्न रीजन लोगों के लिए प्राउड मूवमेंट है। आप सभी लोगों को पता है कि SHPL पहला दिन से जो काम कर रहे थे एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे, और हम वेस्ट बंगाल से व्यापार को शुरू किए थे। कंपनी ने अभी अभी एक प्रॉपर्टी को परचेस किया है जो वेस्ट बंगाल के अंदर, इस प्रॉपर्टी को परचेस किया है जो 16,000 square feet का प्रॉपर्टी है, और अप्रैल महीने से हम लोग इसको ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले। ये है अपने नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर द बंगाल में, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो भी लोग आप लोग अप्रैल महीने से कलकत्ता में विजिट करेंगे, क्योंकि मशीनरी ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। कंपनी काफी सारे सेगमेंट के ऊपर ये प्रोडक्शन अपने कैलकुलेटर से सेट करेंगे। ये कंपनी का 2023 का एक काफी बड़ा डिसीजन था, जिस डिसीजन के अंदर कंपनी ये बहुत बड़ा एक मतलब बिल्डिंग कंपनी आपने परचेस कर चुका है, और इसको कंपनी न्यूट्रीलाइफ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी का पहला ही फॉर्मेटेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम रहेंगे न्यूट्रीलाइफ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। न्यूट्रीलाइफ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे कंपनी, इसमें हम लोग भी डायरेक्टरशिप के अंदर है, अपने फैमिली डायरेक्टरशिप के अंदर है, ऐसा नहीं कि कोई रनिंग कंपनी है, किसी को हम लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये कंपनी का पहले से प्लानिंग है, 2 साल पहले ये रजिस्टर्ड कंपनी है। सो आप लोगों ने इसके पहले भी देख चुके हैं कि नो लाइसेंस के अंदर इस नाम पे हम लोगों ने काफी मैन्युफैक्चरिंग कर चुके हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर ये प्रॉपर्टी हम लोग लेकर आए। इसको लेके काफी हम लोगों का बड़ा एक ड्रीम है जो अप्रैल महीने से हम लोग शुरू कर देंगे। सो जितने भी लोग SHPL के साथ काम कर रहे हैं, इसका प्राउड मूवमेंट 1 बाय 1 कंपनी ग्रो कर रहा है। जैसे 2022 में कंपनी का डिसीजन था दिल्ली से अपने बिजनेस को शुरुआत करें, और 2023 के अंदर कंपनी का ये शुरुआत है एक बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कलकत्ता में शुरू करें, जहाँ पे अपने प्रोडक्ट के कंट्रोल, जो उस प्रोडक्ट को लेकर हम लोग लीडिंग करेंगे उसका कंट्रोल हमेशा अपने हाथ पे रहे और हम लोग टेबल ठोक के लोगों को रिजल्ट दे पाए। सो ये करीबन मेरे हिसाब से 10 से 15 करोड़ के मतलब प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर कंपनी पूरा इंस्ट्रूमेंट से लगा के काफी सारा प्लानिंग कर रहा है, कंपनी काफी बड़ा तैयारी कर रहा है, और आने वाले दिन के अंदर ये SHPL इतिहास रचने के लिए जा रहे हैं। ऐसे अगर हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे, घर घर SHPL, शायद हर मामले के अंदर हम लोग नंबर वन बनेंगे। और फाइनली थैंक यू, आप लोग हमें सुना, सुनने के लिए ऐसे सुनते रहिए। और कंपनी का जो टारगेट है बड़े करने का, और इस बड़े हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग मिलकर इस टारगेट को ले, क्योंकि कोई भी बिजनेस करे इस बिजनेस के अंदर एक टीम गेम है,
और ये टीम गेम को मेंटेन करने के लिए हमें काफी सारे चीज मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो आप जितने भी लोग एसएचपीएल के साथ काम कर रहे हो, एसएचपीएल का 2023 का रेजोल्यूशन में क्लियर करना चाह रहा हूँ, जितने भी लोग एसएचपीएल के साथ जुड़े हुए हैं, जो सपने लेके एसएचपीएल के साथ काम कर रहे हैं, पहले उनका सपना पूरा हो, ये 2023 का कंपनी का पहला रेजोल्यूशन है। दूसरा, जो प्रोडक्ट लेके आप काम करो, प्रोडक्ट का सप्लाई चेन हमेशा ठीक रहे, उसको पूरा करना कंपनी का एक रेजोल्यूशन है। उसके साथ जो है प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऊपर हमेशा आप लोगों के साथ और मार्केट के साथ कॉन्फिडेंट के साथ खड़े रहे, ये कंपनी का टारगेट है। सिस्टम की और भी स्ट्रॉन्ग किया जाए, बिजनेस को और भी स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये कंपनी का टारगेट है। सो आप जितने भी लोग एसएचपीएल के साथ काम कर रहे हैं, आप अपने सीनियर, अपने अपलाइन सिस्टम को फॉलो कीजिए और डेडिकेटेडली काम कीजिए, क्योंकि इस प्लान, इस बिजनेस करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। आप अपने कंपनी को जानो, अपने प्लान को जानो, अपने प्रोडक्ट को जानो और कंपनी के तरफ से जो ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार है, इसको अटेंड कीजिए। कंपनी के पास अच्छे लीडर जुड़े हुए जो आपको अच्छे गाइड कर सकते हैं, और लीडर्स वन बाय वन मीटिंग कर आप देख रहे हैं जनवरी महीने के अंदर कंपनी के तरफ से, कंपनी के जो टीम है, फाउंडर के टीम के तरफ से काफी जगह से अच्छा अच्छा मीटिंग हुआ, जिस मीटिंग के दौरान लोगों को अच्छे अच्छे मतलब कंपनी का क्या प्लानिंग है, कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे 2023 को और भी फुलफिल किया जाए, ये टारगेट है। लेकिन मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, ये सब कुछ तब पॉसिबिलिटीज होता है जब आप चाहते हो। सो सिस्टम के साथ जुड़े रहिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए और डेडिकेटली काम कीजिए, अपने गोल बनाइए और उस गोल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री के साथ आप काम करो, उस इंडस्ट्री में 5 साल देना बहुत जरूरी है। और आप लोग गलती से हो, सही से हो, चाहे कोई भी उम्र, इंडस्ट्री को एक ऐसा इंडस्ट्री को चुने जो इंडस्ट्री आपके सपने को पूरा कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन इस इंडस्ट्री आपको देने के पहले आपसे कुछ लेता है, वो है आपके डेडिकेशन और आपके डिटर्मिनेशन, वो है आपके हार्डवर्किंग। सो देने के लिए तैयार हो जाइए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, अपलाइन को फॉलो कीजिए। अपलाइन, जिस अपलाइन को सक्सेस मिला है, उस अपलाइन जो भी बोल रहा है, उस मंत्र को एक्सेप्ट कीजिए और उस राह पे चलने की कोशिश कीजिए। आइए 2023 के जनवरी का जो क्लोजिंग है, मिलके अच्छे क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। वाओ, इतनी सारी सर बौछार लगा दी आपने गुड न्यूज की, नए प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इतना प्यारा मैसेज कि कंपनी में 5 साल अगर रहते हैं तो आप भी उन करोड़पतियों के नाम में आपका भी नाम शुमार होगा, जहां पर आप भी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर रहे होंगे। सर इस बेहतरीन मैसेज के लिए बहुत 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 धन्यवाद, मजा आ गया सुनकर के। आज सर आपका स्पेक्स भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये ग्लेयर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। थैंक यू फॉर दैट, बात ही बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सो ये थे हमारे गोपाल सर, जिन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से बताया कि हमारे पास कितने सारे नए प्रोडक्ट आने वाले हैं और कितने सारे नए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी आपको किस टाइम मिलेगी, ये भी सर ने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वेबिनार बहुत ही डिफरेंट हो, कि नया साल था, उस नया साल में बहुत ही डिफरेंट और बहुत सारा बौछार, खुशियों की बौछार आपको मिली है नए प्रोडक्ट्स के साथ, नई न्यूज के साथ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ, मजा आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि फ्यूचर SHPL के साथ आपका कैसे होने वाला है, जो हमारे CMD का सपना है, क्या आप उस CMD के सपने के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ करके इस सपने को अपने सपनों के साथ जोड़कर आप अपने आप को कहां देखते हैं, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। ये आपका वक्त, ये आपका टाइम, ये आपकी सोच है। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका डेडिकेशन चाहिए, आपका वक्त चाहिए, आपके अपलाइन से आपका साथ चाहिए, बस इतनी ही गुजारिश है और कोई काम नहीं करना है इसमें। अपलाइन की बात सुननी है, आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, आपका फोकस और आपका वक्त हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आप देखिए आप कितनी जल्दी SHPL में ग्रो होने वाले हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, अगर मेरे से कुछ पिक्चर शेयर हो पाती हैं तो मैं जरूर शेयर करूंगा। आज ही मेरे पास एक गुड न्यूज आई है कि हमारे एक नए लीडर जिन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी है और वो नई गाड़ी है मारुति विटारा ब्रेजा, मारुति ब्रेजा खरीदी है जो कि टॉप मॉडल की है और उनकी उम्र सिर्फ 18 साल की उम्र में, और मात्र 6 महीनों में
मात्र 6 महीनों में उन्होंने ये अचीवमेंट करी है और ये पॉसिबल हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ SHPL के बदौलत। दोस्तों मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा वो पिक्चर्स अगर शेयर हो पाए मेरे से, क्योंकि मुझे अभी अभी ये न्यूज मिली है तो मैं कोशिश करता हूं कि वो पिक्चर्स मेरे से शेयर हो पाए। क्या आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा क्या आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं। पाजी शेयर हो है, पाजी शेयर है, कंटिन्यू कीजिए प्लीज सर। ओके, तो ये है पहली पिक्चर जो आप देख सकते हैं, ये है इस पर्दे के पीछे विटारा ब्रेजा, एक ब्रांड न्यू विटारा ब्रेजा जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हैं। मैं दूसरी पिक्चर फिर शेयर करता हूं और ये देखेगा वो व्यक्ति जिन्होंने विटारा ब्रेजा खरीदी है, ये उनके साथ सेलिब्रेशन, उनके अपलाइन, और ये अपलाइन के साथ मात्र 18 साल की उम्र में, और सोचिए सिर्फ 6 महीनों के अंदर ये मारुति विटारा ब्रेजा टॉप मॉडल की इन्होंने खरीदी है। अमन जी इनका नाम है, मिस्टर अमन, एक बार जोरदार तालियां, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां मुझे सुनाई देनी चाहिए। मैं आप सबको तो अनम्यूट का ऑप्शन देना चाहता हूं, आप सब अनम्यूट हो जाइए और मुझे आपके एक्साइटमेंट को सुनना चाहता हूं कि आपकी तालियों के बीच में मैं और पिक्चर शेयर कर पाऊं। तो आप लोग अनम्यूट हो गए हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं और आप बिल्कुल इन पिक्चर्स को देख सकते हैं। ये है विटारा ब्रेजा जो आपके सामने है, मिस्टर अमन जिन्होंने ये कार खरीदी है आज ही के दिन, अपने जन्मदिन के दिन ये कार खरीदी है। कितनी खूबसूरत कार, कितने खूबसूरत कलर, और टॉप ब्रांड यानी कि उनका टॉप वेरिएंट खरीदा है। तो इनको बहुत बहुत बधाई, इनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसके साथ ये जो गिफ्ट इन्होंने दिया है इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सब कुछ पॉसिबल हो सका है तो सिर्फ हो पाया है SHPL की बदौलत। तो दोस्तों है ना मजे की बात, है ना ये प्यारी बात जो आप देख पाए हैं, आपके सामने आपके ये साक्षात है, कहते हैं साच को आज क्या, और ये आपके सामने साक्षात एक सबूत मैंने पेश किया है जो कि आप देख सकते हैं। तो मुमकिन है ये SHPL में, और आप भी कर सकते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो जो गोपाल सर ने बोला है उनके वर्ड्स को फॉलो करिए, उनके शब्दों में आज बहुत ताकत थी, उन शब्दों को फॉलो करिए, आप भी अपने घर के सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे, अपने माता पिता के, अपने परिवार के हर एक सपने जो आपने देखे हैं वो पूरे कर पाए हैं, और वो भी सपने पूरे कर पाएंगे जो आपने नहीं भी देखे हैं। थैंक यू, आज का दिन यहीं तक था, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर जुड़ने के लिए और हम सबसे रूबरू होने के लिए। CMD सर, मिस्टर गोपाल कुंडू सर का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, टाइम टू से बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और SHPL के बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट टू एवरीवन।